योज थिन खाए। तो वेलकम भाई लोग, आप सभी को मेरी तरफ से हेलो। ओके ओके थैंक यू। सुनने में यार प्यार मोहब्बत का असर निब्बा निब्बियों के अंदर इस कदर फैल रहा है जिस कदर कोरोना किसी शरीर के अंदर फैलता है। क्या तुम भी निब्बा निब्बियों से पीड़ित हो कि नहीं, वीडियो के एंड तक तो पता लग ही जाएगा। अच्छा आई लाइक यू, तू मेरी बंदी बनेगी विदाउट प्रूफ डायरेक्टली अटैक। अगर मैंने किसी को ऐसे प्रपोज कर दिया ना, मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा। वैसे सिंगल तो मैं अभी भी हूँ। अभी लेकिन मार भी तो पड़ती है ना। पता है इजहान ने नताशा को ब्रेसलेट दिया था। देखा देखा देखा, अभी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं और तुरंत ही फरमाइश शुरू। अभी लौंडो तुम्हें सिंगल रहने में क्या दिक्कत है? अब एक बात जानो, लड़कियों के लिए प्यार ही पैसा और पैसा ही प्यार होता है। अगर तुम्हारे पास भरपूर पैसा है, अगर तुम किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, डज नॉट मैटर कि तुम कैसे प्रपोज कर रहे हो, वो बंदी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम कितने ही अच्छे ढंग से प्रपोज कर लो, वो तुमको लात मार के निकल जाएगी। मुझे प्रपोज किया वो कोई नहीं है ना भाई, प्रैंक था, मेरी प्रैंक था, वो प्रैंक सीरियसली ले लिया था, ठीक है ना। मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। इसके पास भी गर्लफ्रेंड है, फिर मैं ही क्यों, मैं ही सिंगल क्यों रह जाता हूँ? तो बोला भाई सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बोला था लेकिन मैंने वो सिर्फ तेरे लिए बोला था, मैं तो बनाऊंगा भाई। मैं अभी भी देख के ये हैरान हूँ कि किस फूटे कर्म लड़की के होंगे जिसने इसको बॉयफ्रेंड बनाया है। और इसके घर में तो भाई झाड़ू की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। दैट बिकॉज मम्मी इसकी टांग पकड़ेगी, टांग ऊपर करेगी, बालीचे करेगी, पूरा घर साफ कर देंगे ऐसे। बड़ा हरामी हो बेटा। प्यार मोहब्बत थोड़ी ना हो रहा है, गुड्डा गुड़िया को खेल हो रहा है। एक जाएगी दूसरी आएगी। और आपने क्या बोला, ऑयल एक्स पे भेज दे। ऑयल एक्स का तेरे फूफे का है जो स्पेस की गर्लफ्रेंड को बेचेगी। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? इनके लिए हम पानी और ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। और इस वीडियो देखने के बाद तुमको क्या लगता है, मेरे अंदर का निब्बा जाग जाएगा? नेवर। बदनाम करो या तारीफ करो, मेरे मुंह पे करो, क्योंकि पीठ पीछे तो जियान की बहन जैकू खड़ी है, जो कि अभी अभी जियान को ठिकाने लगा के आई है। अब जो इसकी वीडियो देख रहा है, अब उसकी बारी है। क्या मतलब कि सबसे पहले वीडियो मैंने देखी तो मेरी बारी है? अबे टेंशन ही लेने का, ये यमराज के भैंसे की गर्लफ्रेंड है, ज्यादा कुछ नहीं करेगी, बस टिकटॉक वीडियो बनाएगी और चली जाएगी। पैसा उड़ाने वाली हमको उड़ा के चली गई। क्यों, यकीन नहीं उड़ा क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ। चलो भाई भैंस की आवाज निकाल दो। हम तू को बोला तुम आ जाएगा भाई, यहाँ तक खड़ा नहीं होने देंगे। कैमरा खोलिए, एड्रेस बता दीजिए इसको, एक बार एड्रेस बता दीजिए बस। आप उठेंगे कि नहीं? हम उठे एकदम। क्यों नहीं पहचाने क्या? ये है अंकल लाली छगानी जो यूट्यूबर्स के पिछवाड़े से निकाले पानी। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कोई दुकान वाला फूड ब्लॉगर को भगा रहा है। और अंकल जी ऐसा क्या कर दिया आपने जिसको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो? बाइक और सच्ची बता रहा हूँ, अगर इस फूड ब्लॉगर की जगह मैं होता ना, सारे सब्जियां उठा इसके मुंह पे बल के चुपचाप निकल लेता। भाई अपने भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। लेकिन वो बात अलग है कि भाई इस फूड ब्लॉगर को अपनी बेइज्जती करवाने में मजा आ रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, अब लोग यहाँ के बोलते होंगे तो हमको नहीं मालूम। ये साला दोगला है, सुअर का बच्चा को है, मुंह से गाली निकलेगा मीडिया के सामने। जो तारीफ कर रहा है अंकल, उसी का भी बंटा भेर कर रहे हैं। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बता। ब्रो भलाई का जमाना नहीं और जमाने का भलाई नहीं है, और दोनों में मलाई नहीं है। चुप अप भोसड़ी, चुप अप। अच्छा बताओ दुनिया का सबसे प्यारा नाम कौन सा है? हमें छापरी, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई ये इमोशनल सॉन्ग है, ढिंचक पूजा का डिस्ट्रैक्ट नहीं है। बताओ इस बंदे को क्या ही दुख दर्द होगा, ये तो नालायक है कि इमोशनल सॉन्ग को भी एंजॉय कर रहा है। Meanwhile, अच्छा बताओ दुनिया का सबसे प्यारा नाम? अफसोस मुकेश बच नहीं सका। और भाई के टैलेंट को देख रहे हो, एक ही सॉन्ग में दुनिया के कई अलग अलग एक्सप्रेशन डाल दिए। मैं मेरी तरफ से आपको लंड की भेंट देना चाहती हूँ। अबे मादर बोर्ड एक बात बता, मैं तो मास्क पहन रखा है, मैं कैसे करूँ इस पे, मैं अपना एक्सप्रेशन कैसे दिखाऊंगा बे? कल ही इसकी बेल्ट से सुताई हुई थी टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में, आज ये फिर बना रहा है। और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये मैं भी ऐसे करने वाला हूँ? अरे हट, मैं ऐसे नहीं करता, इसे गंदे काम मैं नहीं करता। Meanwhile, अच्छा दीदी जरा ये एड्रेस बता देना कहाँ का है। हाँ मैं छापरी। क्या हाथ लोगे बेटा, ये लो। हाँ मैं छापरी। ए ए ए ए ए ए
हेलो, अरे डॉक्टर साहब आप इसको उठा के ले जा रहे हो कि मैं इसको यहाँ से धक्का दे दूँ, मैं पहाड़ से नीचे गिर जाएगी, मड़ मुड़ा जाएगी ये। क्या तुम इसको पहचाने? हाँ? क्या नहीं पहचाने? अरे ये वही है जो अपने क्रश को अजीबोगरीब गालियां दे करके रोस्ट करती है। जब इसको पता लगा कि भाई वो तो रोस्ट नहीं हो रहा, उसको तो पिछवाड़े में आग ही नहीं लग रही, तो इसने भाई प्रेम पूर्वक वाला वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। कैमरामैन भी सोचता हुआ जिस तरह से फड़फड़ा रही है ना, यहाँ से एक लात मारूंगा उसी तरह नीचे गिरेगी। भाई देखो, डांस दो तरीके के होते हैं, एक ब्रेक डांस, एक क्लासिकल डांस, एक होता है नॉर्मल डांस। इसका नहीं पता, ऐसा लग रहा है सो दौड़े पड़ रहे हैं। अबे सक्सेना नंगे तार को पकड़ के तुझ पर लपट गया क्या? लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर दीदी का कोई भी हड्डी टूट गया ना तो भाई एक्सरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसे बटकेगी कि कोई भी हड्डी टूटी हुई दिखी जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना बहुत था। माना कि हाँ भाई वीडियो लाने में बहुत देर हो गई, दो महीने से मैं कोई वीडियो नहीं डाली, बट यार कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाली, बट मैं अब वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड तुमको मजे दिलाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अगर तुमको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक फॉर वॉचिंग।